हाय गौरव, वेलकम ऑन योर पीडिया। गुड इवनिंग सर। थैंक या सो गौरव, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन इन एचपीसीएल। यू सर। सो गौरव, आज का इंटरेक्शन वीडियो जो है दैट विल बी रिलेटेड टू यू एंड योर जर्नी टिल योर सिलेक्शन इन एचपीसीएल। स्टार्ट करते हैं आपकी बैकग्राउंड से। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं एंड फिर आपका ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुआ और उसके बाद आपने क्या क्या किया HPCL की सिलेक्शन तक। सर आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी जयपुर इन द फील्ड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर सर 2023। और सर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एसेंचर में, बट मेरा जो ऑनबोर्डिंग था वो 8 महीने डिले था। तो फिर मैंने आज मतलब मैंने दीदी से बात की, दीदी ने बोला कि कोर की तैयारी कर लो, उसमें बहुत स्कोप है करेंट में। फिर मैंने गेट के हिसाब से तैयारी शुरू की थी 8 महीने। तो फिर मैंने एसेंच जब एचपीसीएल का जब आया था मैंने उसको टारगेट करके फिर एग्जाम दिया अपना। उससे पहले मैंने आरएफसीएल का भी दिया था और आईआरईएल का भी दिया था, बट दोनों मेरा हो नहीं पाया था। और एक और एग्जाम था सेल का, मैंने वो भी दिया था। तो सेल का मेरा इंटरव्यू तक क्लियर हो गया था और गेट का भी मेरा स्कोर ठीक था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था सारे कोर का। और एचपीसीएल का मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मतलब मैंने कोर का एक फर्स्ट अटैम्प्ट ही दिया था सर। ओके। तो आपका गौरव ग्रेजुएशन कब हुआ था? सर लास्ट ईयर 2023 सर। उसके बाद से आपने गेट वगैरह एग्जाम भी लिखे होंगे। यस सर। तो कैसा रहा था आपका गेट की जर्नी? सर मेरा मैंने सर कोर ढंग से सर मैंने कॉलेज के बाद ही पढ़ा था सर। तो लगभग मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने मेरे दोस्त गेट की तैयारी कर रहे थे, उनके रैंक्स भी काफी अच्छे, तो मैंने उनसे बात की थी कि गेट का क्या सीन रहता है, अपन तैयारी कैसे कर सकते। तो मैंने उनसे गाइडेंस लिया था इनिशियली, तो फिर मैंने उस तरफ से तैयारी शुरू की थी। तो उन लोगों ने मुझे बताया, जब एचपीसीएल के फॉर्म आए थे, मैंने एक तो आपका वीडियो देखा था कि एचपीसीएल का जब रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है, मैंने दोस्त से बात की, तो उसने मेरे को बताया था कि एचपीसीएल का क्या सीन होता है। फिर उसके बाद से अपनी तैयारी शुरू की थी सर। ये बहुत सा स्टूडेंट गेट लिखता है और लेकिन गेट के थ्रू भी सिलेक्शंस होती हैं, जॉब्स लगती हैं। बहुत सा स्टूडेंट्स का गेट नहीं भी निकलता है और उनको बहुत अच्छी जॉब्स लगती हैं, जैसे एचपीसीएल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं। जैसे इस बार भी एचपीसीएल में बहुत सी सीट्स आई हैं। यस तो सर। क्या लगता है आपको कि कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि गेट तो मेरा हुआ नहीं, एचपीसीएल कैसे हो जाएगा? तो क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से सर गेट और एचपीसीएल का मतलब पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि गेट पे प्रॉपर कोर आता है और एचपीसीएल में आपका आधा डोमेन आता है और आधा आपको रैंक पुश करने के लिए आपको नॉन कोर भी आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफी एडवांटेज रहता है जिनका नॉन कोर रीजनिंग और इंग्लिश काफी अच्छा रहता है, क्योंकि डोमेन में नंबर लगभग सबका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, बट जो रैंक पुश होती है वो नॉन कोर से ही होती है सर, रीजनिंग और इंग्लिश से। तो मेरे ख्याल से जिनका जिनका गेट में ज्यादा डाउट है कि गेट में उनका नहीं हो पा रहा है, तो वो जैसे एचपीसीएल आरएफसीएल जो इनके एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रैंक पुश होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं सर, और यहाँ पे फिर उनके चांसेस भी काफी हाई हो जाते हैं सिलेक्शन। तो मतलब जो गेट है और एचपीसीएल वो थोड़ा सा अलग होता है, और अगर आपका गेट मिस हो जाए तो एचपीसीएल वगैरह की तैयारी करो और निकाला जा सकता है। यस सर। अच्छा गौरव, आपने अब गेट जो एचपीसीएल है वो पिछले कुछ 4 साल से आ रहा लगातार, 21, 22, 23, अब 24 में भी आया है। यस सर। तो ये 3-4 मंथ मिलते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसका 3-4 मंथ मिलते हैं, तो क्या ये 3-4 मंथ सफिशियंट थे आपको प्रिपरेशन करने के लिए? सर अगर आपका कोर एक बार पहले से पढ़ा हुआ है, मतलब जैसे हम कॉलेज में हम 4 साल हमारे जो कोर का जो रहता है, अगर हम उसको अगर ढंग से एक बार कर लेते हैं कॉलेज में, अगर हम बेसिक बेसिक अगर पढ़ लेते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर आपको 4 महीने एचपीसीएल के जो पैड एग्जाम लेवल है उसको रिवाइज करने के लिए सफिशियंट है सर। क्योंकि एचपीसीएल बेसिक्स पूछता है तो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको एडवांस आता है तो ठीक है, बट अगर बेसिक नहीं आता तो फिर एचपीसीएल में आपको दिक्कत आएगा सर। और अगर आता है तो एचबीसीएल में आप कर सकते हैं इसको 4 मंथ्स में। यस सर। अगर आपके अच्छा, इसकी बेसिक जो, क्लियर है। हाँ, जो एग्जाम है वो 50% टेक्निकल 50% नॉन टेक्निकल है। यस सर। हाँ, तो इसमें जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह का आता है? आसान आता है, डिफिकल्ट आता है, कैसा पेपर आता है? सर मीडियम पैटर्न आता है सर, ये मतलब इंग्लिश और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसमें स्पीड अप करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक्स आते हैं बट टाइम का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो उसको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। वरना जो कोर का आता है वो मीडियम लेवल का होता है सर पेपर, और वो 50-50% होता है। तो 50% जो डोमेन का होता है उसमें आपको कट ऑफ 50% नंबर लाने ही पड़ेंगे, तो डोमेन का तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। और जो नॉन टेक पोर्शन है उसमें आपको
टाइम का थोड़ा देखना पड़ता है सर, क्योंकि आप जब गेट की तैयारी करते हो बेसिक तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है, तो उससे आपका एचपीएसएल का बेसिक कवर हो जाता है आराम से, और उतना ही बेसिक आता है सर। अच्छा, अब ये जो एचपीसीएल का एग्जाम है, ये जो सिलेबस है इसका गौरव, वो मैंने देखा था 21-22 का तो सेम था, फिर उसके बाद ये सिलेबस जो था 23-24 का वो भी सेम था। ओके गौरव, सो आई वाज आस्किंग दैट सिलेबस जो 21 और 22 में था वो सेम था, मेरे ख्याल से 23 में चेंज हुआ था, थोड़ा सा नए टॉपिक्स ऐड हुए थे। इस बार बहुत सा बच्चा ये पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस हमारा सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा। सर कोर का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बाकी जो जैसे इन्वायरमेंटल के जो मतलब टॉपिक्स रहते हैं वो दो तीन नए ऐड होते रहते हैं, तो इस बार भी अच्छा शायद दो टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, मैंने आपका वीडियो देखा अच्छा था, हाँ जी तो बस वो मतलब मैंने आप ही के वीडियोस देखे थे और आपने जो हैंडआउट प्रिंट दिए थे टॉपिक्स पढ़ने के लिए, मैंने वही स्टडी किए थे सर उन टॉपिक्स को, और वो सफिशियंट थे तो उन मतलब ये है एक्शन। कि जो स्टूडेंट को अभी एग्जाम के लिए जाना है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, सिलेबस की वेट ना करे, 24 का सिलेबस देखे और करना स्टार्ट करे। यस सर बिल्कुल, क्योंकि मुश्किल बहुत सर सही। एक या दो नए टॉपिक ऐड होते हैं, और उतने और जो आप स्टडी मटेरियल जो आप निकालते हैं यूट्यूब पे वो सफिशियंट रहता है उन चीज़ों को कवर करने के लिए सर, क्योंकि उतना ही बेसिक का लेवल पूछते हैं वो लोग। अच्छा, अब चलते हैं गौरव, आपका रिटन एग्जाम हुआ, फिर होता है ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू। अब हम जानते हैं कि जो एचपीसीएल का ग्रुप टास्क इंटरव्यू है वो एलिमिनेटिंग है, और बहुत सा बच्चा इसको लाइटली लेके यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ग्रुप टास्क के बारे में पहले, और फिर हम चलते हैं इंटरव्यू के बारे सर मेरा जीडी और जो ग्रुप टास्क था वो अहमदाबाद हुआ था, तो हम लोग लगभग 21 जने थे, तो में। हमारे अच्छा दो साथ साथ के और मतलब तीन साथ साथ के हमारे ग्रुप बने थे, तो मेरा लकीली फर्स्ट नंबर था लिस्ट के अंदर, तो मेरा फर्स्ट ग्रुप के अंदर हो गया था जीटी का ग्रुप अच्छा टास्क में। तो उसमें सर मतलब जीटी में ये था कि मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं की थी, क्योंकि उसमें डाउट रहता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग अच्छे से नहीं कर पाए तो आपके काफी हाई चांस रहते हैं कि आपको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छा अच्छे से आता है तो ही आप स्टार्टिंग करें और एंडिंग करें। तो अच्छा मैंने सर मतलब मैंने बीच में पॉइंट्स बोले थे, और मैंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बोले थे, मतलब जिनको डिस्कशन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे किए थे, मैं तो मेरा वो वाला सीन वो वाला पॉइंट था। और बाकी सर जो जीटी रहता है हमारे 21 में से 1/3 को उन लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था सर, यानी सिर्फ अच्छा 14 लोग सेलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा और जो इंटरव्यू था सर मेरा फर्स्ट नंबर पे था, तो मेरा इंटरव्यू सर 30 से 40 मिनट तक चला था, अच्छा और ओके इंटरव्यू में मतलब 80-20% रहता है एचआर का और टेक्निकल का, वो वैसा ओके रहता है। और लगभग तो हमारे ग्रुप टास्क 14 में था क्या आपको गौरव, अगर आपको याद हो ग्रुप टास्क था क्या आपका? ग्रुप टास्क हमारा था कि जैसे अभी इंडिया के अंदर रियल एस्टेट बूम आया है, तो ये कितना, तो उसमें हमें उसका केस स्टडी करना था, मतलब उस पर डिस्कशन करना था कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है या फिर ये लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट पुश के थ्रू हो रहा है या फिर किस टाइप से हो रहा है, और इसके जो के जो मिडिल क्लास है वो कैसे मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैं इस चीज के अराउंड थोड़ा डिस्कशन करना था। अच्छा ओके, तो इसमें क्या सारे स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था क्या, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने डिस्कशन नहीं किया था इसके ऊपर? सर हमारे ग्रुप के अंदर एक बंदा था वो बिल्कुल नहीं बोला था, तो हम लोगों ने उसको मतलब बीच बीच में हम लोग उसको बोल रहे थे कि दो तीन पॉइंट्स तुम भी ऐड करो, बट वो अच्छा बिल्कुल ऐसे शांत था, वो बिल्कुल नहीं अच्छा बोला था, तो वो उसका फिक्स हो गया था वो एक शब्द नहीं बोल पाया था सर वो स्टार्टिंग में। अच्छा तो आपके ग्रुप में कितने बच्चों में से कितने एलिमिनेट हुए थे? सर हमारे 7 में से लगभग 6 चले गए थे, एक ही बंदा एलिमेंट हुआ था सर। अच्छा ओके, और बाकी सारे सिलेक्ट हो गए थे। यस सर इंटरव्यू के तो लिए क्या लगता है आपको जीटी में सिलेक्ट होने का रिजेक्ट होने का क्या ये होता है डिफरेंस, कौन सिलेक्ट होता है और कौन रिजेक्ट होता है? सर मेरे ख्याल से अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं और आप उनको अगर अगर आप मतलब पॉइंट्स अच्छे और आप उनको बोल अच्छे से बोल पा रहे हो तो आपके काफ़ी हाई चांस रहते हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, बट आप अच्छा अच्छे से बोलो और जो पॉइंट्स हैं उनको एकदम क्लियर रखो कि हाँ मेरा ये पॉइंट है और इसका ये सेंस है, तो वो अच्छा होना वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। आप एंडिंग कर रहे हो स्टार्टिंग कर रहे हो वो चीज़ें आप तब करो जब आप एकदम उस बारे में श्योर रहते हो कि हाँ ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो जरा सा भी खराब होता है तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन डालता है सर। ओके अच्छा एक बात और गौरव, जैसे स्टूडेंट ना ये जीडी जीटी इंट्रूज ये बहुत प्रैक्टिस नहीं करता है, और उसकी वजह से उसके फाइनली के बार मार्क्स थोड़े नंबरों से छूट भी जाता है, आपको क्या लगता है इसकी प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है इन चीजों की?
सर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने तुरंत यूआरपीटा ज्वाइन किया था, और मैंने लगभग स्टार्टिंग से मैंने कम से कम 6 से 7 मैंने जीटी अटेंड्स किए थे सर, और मेरे अच्छा स्टार्टिंग के 3-4 में तो मेरे को बोल मतलब ऐसे बोलने में भी थोड़ा बहुत झिझक सा हो रहा था कि कैसे बोलूँ क्या बोलूँ, फिर बाकी के जो 3-4 थे मेरे उसमें मेरा काफी सही परफॉर्मेंस रहा था सर, क्योंकि वो ओके झिझक अगर बिल्कुल खत्म हो जाती है अगर आपको बोलने की, अभी उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए सर। गुड। अच्छा गौरव, अब चलते हैं इंट्रू की तरफ। आप जानते हैं योरपीडिया इंट्रू गाइडेंस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्शन जो आपकी है उसको सुनने के लिए आता है, ये जानने के लिए कि इंट्रू के क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। तो आपसे यस मेरी सर, रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में बताएं कि कितने मेंबर थे अंदर, और वही मेंबर होते हैं मैन जो मेरे ख्याल से जीटी में होते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने आपसे, टेक्निकल कितना था, एचआर कितना था, क्या क्वेश्चन थे। सर लगभग 7 मेंबर्स थे मेरे पैनल में, और मेरा पहला ही नंबर था इंटरव्यू के लिए, और मेरा इंटरव्यू चला था लगभग 30 से 40 मिनट का। तो हम स्टार्टिंग मतलब एचपीसीएल इंटरव्यू से पहले हमें एक एम्प्लॉयमेंट फॉर्म फिल करने को बोलता है, तो उस एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में हमारा हॉबीज, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस, एचपीसीएल आपको क्यों ज्वाइन करना है, बाकी लगभग 4-5, 10 से 11 क्वेश्चंस रहते हैं, तो हमें फिल करने पड़ते हैं, हमारा पूरा बायोडाटा रहता है एक्चुअली वो, तो उसी के अराउंड आपको पूरा एचआर क्वेश्चन रहता है, आप जो उसके अंदर भरोगे वो उसी से आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको उसमें जो लिखा है आपको जस्टिफाई करने लगेगा कि आपने क्यों लिखा है, अगर आपने उसमें कोई हवाबाजी की, और वो क्योंकि वो पकड़ लेते हैं आपके बोलने के एक्सप्रेशन से, एक बंदा पर्टिकुलर पैनल में यही नोटिस करता है कि आप कैसे हवा में आपके बोलने के टाइम आप ज्यादा नर्वस हो रहे हो या फिर आप सोच के जवाब दे रहे हो, क्योंकि अगर आप जो लिखते हो तो आपको पता रहता है कि आपने वो चीजें की हो तो आप तुरंत जवाब देते हो, पर अगर आप थोड़ा रुक के सोच के जवाब दे रहे हो तो थोड़ा अफेक्ट करता है। और जैसे मेरा टेक्निकल है, मुझे उन लोगों ने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में ही, तो मैंने दे दू बेसिक क्वेश्चन रहते हैं एकदम बेसिक, तो वो हो गए, मैंने जवाब दे दिया था। उसके बाद उन लोगों ने मेरा एचआर शुरू किया था कि आप कहाँ से हो, आपने क्या क्या किया है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपने कॉलेज में क्या काम किया है एंड ऑल, तो वो अच्छे से आपको पूरा जस्टिफाई देना पड़ता है, अगर आप कहीं भी ऐसे ही अपने हवाजी को आप पकड़े मतलब वो पकड़ लेते हैं आराम से आपके बोलने के तरीके से आपके हाव भाव, तो उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है सर। और बाकी बाकी आपका एकदम आराम से जाता है, क्योंकि वो लोग एकदम ऐसे कंफर्टेबल होके बात करते हैं सर, आपका लैंग्वेज वगैरह भी नहीं था, आप चाहे हिंदी में बोलो आप हिंदी में बोल इंग्लिश में बोलते हो तो आप हिंदी में जा सकते हो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे तो आप उसको बोल दो कि सर आई डोंट नो द आंसर, तो वो हो जाता है, बट आप अगर उसको जवाब दोगे, आपको आंसर नहीं पता उसको जवाब देने आप ट्राई कर रहे हो, तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन डालने का रहता है सर उसमें। अच्छा, ये बोलते हैं कि एचपीसीएल का टेक्निकल ज्यादा होता है या एचआर ज्यादा होता है, आपको क्या लगता है गौरव, टेक्निकल ज्यादा होता है या एचआर ज्यादा होता सर एचआर लगभग 80% रहता है इंटरव्यू का, है। अच्छा टेक्निकल वो स्टार्टिंग में हो सकता है पैनल पे डिपेंड करता हो, बट जो मेरा पैनल था उसने स्टार्टिंग में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन थे मैक्स, जो उसने मुझसे स्टार्टिंग में लगभग 5 मिनट में ही पूछ लिए थे, बाकी मेरा पूरा इंटरव्यू एचआर पे ही चला था सर। अच्छा, एचआर क्वेश्चन में वो एचपीसीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता हाँ सर, एक दो केस स्टडी भी उन लोगों ने मेरे को दी थी सर, है। मेरी केस स्टडी उन लोगों ने ये दिया था कि मैं अगर मैं कहीं पे एक प्लांट है वहां पे मैनेजर हूँ और वहां पे कोई वर्कर है वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं करने दे रहा है कोई इश्यू की वजह से, तो मुझे उस चीज को रिजोल्व करना है ताकि कंपनी का नुकसान भी ना हो और वो चीज भी रिजोल्व हो जाए, देखो वो केस स्टडी, तो मैंने उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दिया था कि मैं वहां का जो सीनियर मोस्ट बंदा रहेगा वर्कर का, जो यूनियन लीडर है टाइप का, उसके थ्रू मेडिएट करवाऊंगा कि क्या इशू है, उसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, और जब तक क्योंकि वो अपने शिफ्ट में है नहीं वर्कर, तो उससे किसी और अल्टरनेट वर्कर को मतलब काम करवा के प्लांट कंटिन्यू रहेगा ताकि कंपनी को लॉस ना हो, और अगर फिर भी वो चीज रिजोल्व नहीं हो पा रही है तो कंपनी पॉलिसीज के जो भी अंडरगत जो भी गाइड मतलब जो भी रिसोल्यूशन हो सकता है वो फिर देना पड़ेगा, चाहे वो वर्कर के खिलाफ हो या फिर कैसे भी हो। मैंने ये आंसर दिया था सर उनको, उन्होंने केस स्टडी दी थी 5 मिनट की, तो उसमें ये वाला रिस्पॉन्स था सर। ओके सो गौरव, ये कितनी देर, आपने बताया कितनी देर चला था इंटरव्यू, सर लगभग 35 से 40 मिनट का था मेरा सर, मेरा 35-40 मिनट फर्स्ट चला था। था, फर्स्ट था सर इंटरव्यू, और सर मेरे अकॉर्डिंग ये को चीज बहुत मायने रखती है कि आपका इंटरव्यू ऑर्डर किस में है, मतलब जो इनिशियली जो बंदे जाते हैं तो पैनल भी एकदम रिफ्रेश रहता है, तो वो उनसे ज्यादा इंटरव्यूज क्वेश्चन पूछता है, मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि हम जो हमारा जैसे हमारा जो 6 जनों का ग्रुप था वो इंटरव्यू के सिलेक्ट हुआ था, तो उनका इंटरव्यू लगभग 30-30 मिनट का चला था, बट बाकी जो सेकंड ग्रुप था उनका 15-15 मिनट ही चला था सर। अच्छा
ये गुड. चीजें मेरे ख्याल से मायने रखती है सर, मतलब अच्छा, मैंने एचपीसीएल की एक और बात सुनी है कि अगर कट ऑफ के पास भी रिटर्न क्लियर हो तब भी चांस होते हैं फाइनल सिलेक्शन के. यस सर, क्योंकि मेरी ही कैटेगरी मतलब वहां पे मेरी ही कैटेगरी का एक बंदा था, उसके 127 नंबर थे सर, लगभग अच्छा, अगर कहे अगर मतलब लगभग उसकी कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर थे, क्योंकि हमारा कैटेगरी कट ऑफ 96 किया था, उसके 127 नंबर, बट वो जीडी में एलिमिनेट हो गया था सर. अच्छा, ग्रुप और टास्क जीडी में. पे लगभग बाउंड्री पे थे, एक दो बंदे थे जो बाउंड्री पे थे, वो जीडी में भी थे और इंटरव्यू तक भी गए थे. तो इसका तो मतलब ये है कि अगर आपका इंटरव्यू कॉल आ गया है तो चांस बनते हैं और आपको पूरी तैयारी से इंटरव्यू देना चाहिए. यस सर, क्योंकि वो सिर्फ आपका क्लैरि मतलब वो क्वालिफाइंग है, उसके बाद आपके पास काफी हाई चांस है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जिनके हाई नंबर आ रहे हैं वो जीडी क्वालिफाई कर सके, क्योंकि मुझे भी डाउट था कि मेरे नंबर कम है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, बट वहां पे 27 नंबर वाले के जब वो जीडी क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक है, मैं नंबर कम है बट ऐसे इसकी बोलने में या उसमें मेरा थोड़ा ज्यादा है, तो मेरे पास अच्छा, ये भी चांस ज्यादा है. आपको मतलब इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करो, चाहे नंबर अगर आपका कट ऑफ से ही क्लियर हो रहा हो. ओके. अच्छा गौरव, अभी क्या होता है कि जब ये इंटरव्यू वगैरह आते हैं ना एचपीसीएल वगैरह के, तो हम ऑब्वियसली बहुत इन्फॉर्मेशन देते भी हैं बच्चों को कि आप तैयारी करो, और यूरोपीडी ने बहुत से वीडियोस डाले भी हैं जैसे जीटीस के, इंटरव्यूज के. स्टूडेंट्स को लगता है कि बस वो सुन के ही हमारी तैयारी हो जाएगी और हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. बहुत बार ऐसे बच्चा बोलता है, सर मैंने 10 GT सुन लिए, मैंने 12 HR सुन लिए, मैंने ये सुन लिया, मैंने वो सुन लिया. सुन के इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है क्या, आपको क्या लगता है? सर सुन के तो इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने खुद ने सर जब मेरा नाम आया था लिस्ट में, तो मैंने खुद ने यूरोपीडिया के जो मॉक्स इंटरव्यूज है आपके और मॉक जीटीज है वो मैंने देखने शुरू किए थे. फिर उसमें आपको जीटी जब शुरू करते हो तो आपको क्या बोलना होता है, जब आप जीटी में एंटर करते हो तो आपको क्या बोलना होता है, किसी को अगर पॉइंट मिला तो आपको टोकना हो तो उसके लिए अलग से आपको मतलब बोलना पड़ता, जो पर्टिकुलर लाइंस होती है वो आपको याद रखनी पड़ती, कैसे क्या बोलना है. अब एक बार वो आप लिख लोगे बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको जीटी का मतलब मॉक देना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आप मतलब फिर मिक्सअप हो जाता है सर, अगर आप फर्स्ट टाइम देने जाते हो ना तो आप हड़बड़ा में गलती हो जाती है सर, तो इसलिए मॉक देने जरूरी होते हैं सर. सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन. गौरव, कोई भी पॉइंट, कोई भी एडवाइस आप स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आपकी बात सुन रहे हैं इस टाइम? सर मैं बहुत दो सा ही बच्चा अब चीज, एग्जाम के लिए जा रहा है, जून 5 को ही नोटिफिकेशन आया है गौरव, और आपका जब वीडियो पब्लिश होगा तो बहुत सा बच्चा सुनेगा आपको, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आ गया है 24 का. मेरे को लगता है अक्टूबर वगैरह में इसका एग्जाम भी हो सकता है, तो कोई मैसेज अगर आप बच्चों को देना चाहें. मैं दो ही चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगा कि पहला तो आप ये तैयारी कर रहे हो तो फिर उसका टेस्ट सीरीज मतलब देते रहो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका टाइम लिमिट का आपको पता चलता रहेगा, और थोड़ा मतलब थोड़ा फोकस आपको नॉन टेक क्वेश्चन पे भी करना होगा अगर आपको रैंक पुशअप करनी है अपनी तो. और दूसरा, जैसे ही आपका लिस्ट कट ऑफ क्लैरिफाई क्लियर हो जाता है आप तुरंत इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपका एक दिन का गैप भी किसी और के लिए एडवांटेज हो सकता है. सही बात है, सही बात है, दैट इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो गौरव, विद दैट वी कम टू एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन. तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया. दूसरा, आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर इन महारत्ना कंपनी एचपीसीएल. थैंक यू सर.